13 फीट 0 इंच इंटू 30 फीट 0 इंच हाउस प्लान डिजाइन। नाउ स्टार्ट दिस डिजाइन। थर्टीन बाय थर्टी, तो इधर हमें स्टार्ट करना है इसका डिज़ाइन। थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए इस टाइप का कुछ आपको दिखाई देगा। इसका जो डिज़ाइन का जो पार्ट है यहाँ पर हमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30 फीट 0 इंच इधर हमें इधर इतना तक और इधर ऐसे हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन जो है पार्ट इसको दिखाई देगा। और इसके हिसाब से हम अगर यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए ऐसे सेट स्क्वायर को हमें इतना कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इतना तक कैसे लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इधर 125 mm वॉल यहाँ पर हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट इधर ऐसे वॉल, नेक्स्ट इधर ऐसे डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट देखिए इधर हमें यहाँ पर वॉल क्रिएट करना है। नेक्स्ट इधर हमें इसको सेटिंग करना है, इसलिए यहाँ पर जो विंडो और यहाँ पर जो स्टेयर है यहाँ पर हमें रेडी करना है, इसलिए यहाँ पर हमें ऐसे स्टेयर ट्रेड और राइजर यहाँ पर ड्रॉ करके सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 10 फीट हाइट का बिल्डिंग डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएगा। 13 बाई 30 का अगर डिज़ाइन हम यहाँ पर करेंगे तो ऐसे डिज़ाइन हमें मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो रेल लैंडिंग यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, और एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर इतना तक, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हमें ऐसे वॉल, नेक्स्ट इधर ऐसे वॉल यहाँ पर ऐड करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका वॉल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ विंडो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर वॉल, नेक्स्ट इधर वॉल, नेक्स्ट यहाँ पर पार्टीशन वॉल, इधर वॉल के अंदर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो, ऐसे रहेगा पार्टीशन वॉल। यहाँ पर भी पार्टीशन वॉल और इधर हमें विंडो कम डोर इधर मिलेगा। उसके बाद आउट बैक साइड में कोई विंडो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है इसको, विंडो यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर हमें रेलिंग रहेगा इधर से, ओके, इधर तक। उसके बाद देखिए वेंटिलेटर, उसके बाद यहाँ पर विंडो इतना तक,
यहाँ पर हमें विंडो मिलेगा। ओके इधर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो कम डोर, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर डोर या गेट, इधर स्टेयर अप। ओके यहाँ पर हमें ऐसे यहाँ पर डोर मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी हमें ऐसे डोर। ओके यहाँ पर हमें ओपन एरिया मिलेगा, इसे यहाँ पर किचन, यहाँ पर इंजीनियर सुभाष ड्राइंग बाय, यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर डोर, यहाँ पर टॉयलेट प्लस बाथरूम, यहाँ पर बेडरूम। ओके यहाँ पर स्टेयर मेन एंट्री, यहाँ पर स्टेयर मेन एंट्री इधर से आएगा है, इधर से आपको एंट्री मिल जाएगा। मेन एंट्री 13 बाई 30 फीट, 30 फीट इधर और इधर रहेगा 13 फीट। ओके नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम 1, 2, 3, यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 5, नेक्स्ट 6, 7। देखिए स्टेयर के लिए यहाँ पर हमें एक कॉलम तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो आउटर वॉल यहाँ पर 5 इंच यानी 125 mm वॉल यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कॉलम यहाँ पर 10 बाई 12 इंच का कॉलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आएगा इसका मेज़रमेंट। ओके यहाँ पर 9 फीट 6 इंच डिस्टेंस एंड 12 फीट 2 इंच डिस्टेंस यहाँ पर हमें मिल जाए। किचन यहाँ पर किचन जो है 6 फीट 0 इंच एंड इधर डिस्टेंस 7 फीट 6 इंच यहाँ पर डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो हमें यहाँ पर तो डोर एरिया मिलेगा, बेडरूम यहाँ पर। ओके यहाँ पर ड्रोन बाई यहाँ पर हमारा नाम लिखा है, यहाँ पर स्टेयर है, इसके लिए हमने 4 फीट यहाँ पर डिस्टेंस रखा है। यहाँ पर स्टेयर का जो जगह है यहाँ पर हमें 3 फीट 3 फीट 7 फीट 6 इंच यहाँ पर टोटल जो लेंथ यहाँ पर रहेगा 3 फीट वाइड, यहाँ पर 7 फीट 6 इंच। ओके 7 फीट 6 इंच ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ पर 5 फीट 9 इंच डिस्टेंस, तो यहाँ पर ज़्यादा जगह रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस हमें मिलेगा 12 फीट 2 इंच और इधर जो टोटल लेंथ हमें मिलेगा यहाँ पर 12 फीट 2 इंच। टॉयलेट यहाँ पर जो 6 फीट 0 इंच, यहाँ पर 4 फीट 3 इंच। ओके यहाँ पर टॉयलेट एरिया जैसे रहेगा। तो ये जो प्लान है इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा, देखिए इसका जो टोटल स्क्वायर फीट 339 स्क्वायर फीट। ओके इसका जो कॉस्टिंग आएगा यहाँ पर 5 लाख प्लस। तो इसका आउटर वॉल कॉलम सब कुछ आपको मिल गया है। आपको प्लान डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।